वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, पार्ट सेकंड है भारत के इतिहास का। इससे पहले पार्ट वन हो चुका है और सेकंड पार्ट हम लोग फिर से कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, आरओ आरओ री एग्ज़ाम के लिए, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी के कोई एग्ज़ाम, इन सभी के लिए जहाँ भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, इन तीनों के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 1600 रुपये में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए, जो कि अभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, और आरओ आरओ री एग्ज़ाम प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो मात्र 800 रुपये में। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे वहां पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर, जो कि अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले जो सीरीज मैंने इस चैनल पर स्टार्ट की है वो दोपहर 1 बजे की है, और रात को ये जो प्रैक्टिस करें इसके साथ में पीसीएस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चल रहा है। अब ये जो सीरीज चल रही है वो आरओ आरओ री एग्जाम और यूपी पीसीएस के लिए भी है, बाकी जो भी क्लासेस चल रही है यूपीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 61st क्वेश्चन है आज का, भारत में क्रांतिकारी सक्रियता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है क्रांतिकारी गतिविधि स्वदेशी बंगाल आंदोलन के विरासत के रूप में उभरी। सेकंड है एक पीढ़ी या उससे अधिक के लिए शिक्षित युवाओं पर इसका प्रभाव पड़ा। थर्ड है यह धर्म निरपेक्ष था और हिंदू मुस्लिम एकता स्पष्ट रूप से देखी गई थी। फोर्थ है इसे बंगाल में व्यापक अंतर जाति सामाजिक आधार पर जोड़ा गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं ये आपको चूज करना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही, क्योंकि पहला और दूसरा कथन सही दिया गया है, तीसरा और चौथा इनकरेक्ट है। यह धर्मनिरपेक्ष नहीं था, यहाँ पर आप देखेंगे हिंदू धर्म अधीन हिंदू धर्म पर एक अधिकता ने मुसलमान को अलग रखा था यहाँ पर, और बंगाल में व्यापक अंतर जाति सामाजिक आधार के साथ ये नहीं जोड़ा गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिए गए हैं। 62nd क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है इसने सशस्त्र विद्रोह को उकसाकर अंग्रेजों से देश कुछ से छुटकारा पाने का लक्ष्य रखा देश से, और इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट है इसने संचार लाइनों को बाधित किया। थर्ड है यह विदेशी भूमि से दान के माध्यम से अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने की उम्मीद करता है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि इसने डकैती के माध्यम से अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने की आशा की थी, इसे समय से पहले ही दबा दिया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट है। 63rd क्वेश्चन है मित्र मेला किसके द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए वीरी सावरकर, ऑप्शन बी चापेकर बंधु, ऑप्शन सी अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, और ऑप्शन डी है बीजी तिलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीरी सावरकर ने। तो सावरकर और उनके भाई थे, 1899 में मित्र मेला नामक एक गुप्त सोसाइटी का इन्होंने आयोजन किया था, और जिसका 1904 में अभिनव भारत में विलय हो गया था। 64th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पंजाब में उग्रवाद बढ़ने के क्या कारण थे। पहला बार बार अकाल पड़ना, सेकेंड भू राजस्व में वृद्धि, थर्ड सांप्रदायिक शोर, और फोर्थ है बंगाल की घटनाओं से। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा और चौथा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि सांप्रदायिक तनाव पंजाब में चरमपंथ की अवृद्धि का कारण नहीं था। 65th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही तरीके से मेल नहीं खाता है। पहला श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय समाजशास्त्री थे, सेकंड है मदन लाल ढींगरा करजन वायली जिन्होंने हत्या करी, थर्ड है वीरी सावरकर वंदे मातरम, और मैडम भीकाजी कामा नासिक षड्यंत्र केस से जुड़ी थी। इनमें से कौन सा कोड है सही दिया गया है, अर्थात जो सही से मेल नहीं खाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर वीरी सावरकर नासिक षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे और मैडम कामा वंदे मातरम यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी फर्स्ट और सेकंड सही था, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट दिया गया था। 66th क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही मिलान करें। एक तरफ इंडिया हाउस, स्वदेश सेवक होम, यूनाइटेड इंडिया हाउस और
चौथा है गदर दिया गया है। इनकी स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए वैंकूवर, ऑप्शन बी है सिएटल, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को और ऑप्शन डी है लंदन। ये कोड दिए गए हैं, इनको देख करके इनको सही से मैच करना है। इसका राइट आंसर देखिए, सबसे पहले इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में हुई, स्वदेश सेवक होम की स्थापना हुई वैंकूवर में, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना सिएटल में और गदर की हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, डी ए बी सी। 67th क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित, सेकंड है कर्जन वायली की हत्या, थर्ड है बर्रा डकैती, फोर्थ है इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन। नीचे दिए गए कोड का सही यूज करके सही विकल्प का चयन करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4321। कैसे देखिए, सबसे पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो ये 1915 में। कर्जन वायली की हत्या मदनलाल ढींगरा ने की थी 1909 में। बर्रा डकैती ये हुई थी अनुशीलन समिति के द्वारा जो इनके सदस्य से 1908 में। इसके अलावा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में। ऑप्शन करेक्ट है बी। 68th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है वे 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सेकंड है उन्होंने 1916 के लखनऊ समझौते के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का विरोध किया। थर्ड है वे गंगा महासभा के संस्थापक थे। इनमें से किस व्यक्ति की बात की जा रही है ये पूछा गया है, और राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय का। 69th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है युगांतर आश्रम गदर पार्टी का मुख्यालय था। सेकंड है राज बिहारी बोस और सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी में राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है युद्ध में केवल नरमपंथियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। सेकेंड है क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर युद्ध छेड़ने के अवसर का उपयोग करने की कोशिश की। थर्ड है खुदीराम बोस कामागटा मारू में शामिल होने के कारण इन्हें फांसी दी गई थी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि युद्ध में केवल नरमपंथियों ने नहीं चरमपंथियों ने भी सहयोग दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि युद्ध प्रयासों में इनका ये विश्वास था कि अगर ये समर्थन करेंगे तो ब्रिटेन भारत को स्वराज प्रदान करके भारत की वफादारी जो है इसकी कृतज्ञता सिद्ध कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये जो कामागाटू मारू प्रकरण है ये खुदीराम बोस से संबंधित नहीं है। खुदीराम बोस 1908 में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के लिए फांसी इनको दी गई थी, और ये घटना विश्व युद्ध से पहले ही हुई थी। यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 71st क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन घटनाओं को व्यवस्थित करना है। पहले लखनऊ संधि है, सेकंड कामागाटा मारू घटना है, थर्ड है जलियावाला बाग नरसंहार और फोर्थ है रॉलेट एक्ट का अधिनियम है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है और इसका राइट आंसर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2143। कैसे? तो दिसंबर 1916 में ये हुई थी लखनऊ की संधि, ठीक है, लखनऊ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। नेक्स्ट है कामागाटा मारू जो जापानी स्टीमर था, इसकी जो घटना हुई थी ये हुई थी मई 1914 में। जलियावाला बाग नरसंहार ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और रॉलेट एक्ट पास हुआ था फरवरी 1919 को। यहाँ पर मैंने डेट इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पर दोनों ही 1919 की घटनाएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2143। 72nd क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस में चरमपंथियों की वापसी में निम्नलिखित में से कौन से कारक सहायक थे? पहला एनी बेसेंट के प्रयास, सेकंड है तिलक द्वारा किया गया प्रयास, थर्ड है सूरत के विभाजन के बाद कांग्रेस में निष्क्रियता, और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों ही कारक सहायक थे 1916 में जो नरमपंथी और चरमपंथियों की आपस में मिलने के लिए। 73rd क्वेश्चन है, तिलक के होम रूल लीग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहले तिलक की लीग ने स्वराज की मांग की लेकिन भाषाई राज्यों के गठन के खिलाफ थी। सेकेंड, तिलक की लीग पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी। थर्ड, गांधी जी तिलक होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हुए। कौन सा कथन सही दिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा कथन सही है। तिलक की जो लीग थी इसने स्वराज की मांग की, शाब्दिक शिक्षा और भाषाई राज्यों का गठन इनकी मांग थी। उनकी जो लीग है वो बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रोविंस, बरार तक सीमित थी, 6 शाखाएं थी। इसलिए पहला कथन गलत है, दूसरा सही हो गया। ये जो गांधी जी हैं तिलक की होम रूल लीग में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए कथन 3 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। 74th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तिलक और बेसेंट होम रूल जो लीग हैं इनके बीच क्या अंतर है, पूछा गया है। पहला, तिलक के आने से पहले बेसेंट की होम रूल लीग शुरू की गई थी। सेकंड, तिलक का HRL बेसेंट की तुलना में व्यवस्थित था। इनमें से कौन सा कथन सही है या सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही दिया गया है, पहला इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपनी होम रूल लीग स्टार्ट की थी, जबकि तिलक ने अप्रैल 1916 में, ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत है। 75th क्वेश्चन है, मुदिमन समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए, बंगाल के विभाजन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए। बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए प्रांतीय प्रशासन की प्रकृति की सिफारिश करने के लिए। सी, सांप्रदायिक पुरस्कारों के प्रभाव का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए। और ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम में दोषों का अध्ययन करना और उन्हें कम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट होगा। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हिस्ट्री के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।